हाय गाइस, मेरा नाम अजय शरावत है। एक और हमला हिंदुओं की संस्कृति पर, हिंदुओं की आस्था पर, अमरनाथ यात्रा पर कुछ इस्लामिक रेडिकल टेररिस्ट ने हमला किया, जिसमें 7 लोग मारे गए और 19 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये कोई पहला हमला नहीं है, अमरनाथ यात्रा पर पहले भी हमले होते रहे 1900 और 2000 के समय भी, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? और अब कहां है हमारी JNU ब्रिगेड, हमारी NDTV ब्रिगेड, हमारी अवार्ड वापसी ब्रिगेड, हमारी नॉट इन माई नेम ब्रिगेड और हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड सेक्युलर्स? अब कहां गए भाई लोग? क्यों? क्योंकि एक इस्लामिक रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप ने हमारी हिंदू आस्था पर हमला किया है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? कब तक ये मीडिया मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करता रहेगा? जुनैद के इंसिडेंट को लेकर इन्होंने पूरे हिंदू समाज को टेररिस्ट कह दिया। अरे, हिंदू टेररिस्ट होते तो सुंदर पिक्चर नहीं होता, लक्ष्मी मित्तल नहीं होता। आज पूरे वर्ल्ड मैप को उठा के देख लीजिए, हिंदू इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म बदनाम अपनी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। फ्रांस पर हमला इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म, जर्मनी पर हमला इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म, US पर हमला इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म, लंदन पर हमला इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म। 2002 के दंगों से हिंदू को बदनाम करने वाले लोग भूल गए बसीरघाट में क्या हुआ है, बंगाल में क्या हुआ है, अरे और तो और छोड़ो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है। मुस्लिम अपीजमेंट का मीडिया अब अपना राग जपना बंद कर दे, हम आप लोगों की हिपोक्रेसी से परेशान हो चुके हैं। इनके इश्यूज देखो कैसे कैसे हैं। अगर यूनिवर्सिटीज में झंडा लगेगा तो इन्हें दिक्कत होती है, अगर मूवी से पहले नेशनल एंथम बजेगा तो इन्हें दिक्कत होती है, इन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है, इन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है। किस बात के राष्ट्रवादी की ये बात करते हैं? अरे, हमें तो बाहर के जयचंदों की जरूरत ही नहीं, हमारे देश में तो जयचंद हमारे बहुत है, हमारे जयचंदों की लिस्ट बहुत बड़ी है। रवीश कुमार, बरका दत्त, राणा अयूब, शोभा डे, अरुंधति रॉय, और ये लोग कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी है वो अभी तक की सागरिका घोष की भी नई किताब आई, कहती इंदिरा गांधी अभी तक की मोस्ट पावरफुल लीडर थी। तो इस हिसाब से तो इमरजेंसी का टाइम हमारा वैलेंटाइन डे का टाइम होना चाहिए था। राहुल गांधी समय पे चाइना के एम्बेसी में मिल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा मिलना बड़ा जरूरी है। अरे, जिसे ये नहीं पता कि आलू फैक्ट्री में होता कि जमीन पे होता है, तुम बैंगलोर के IIM के कॉलेज के अंदर अपनी बेइज्जती करवा के आते हो, चाइना वाले डिप्लोमेट से तुम क्या बात करोगे? कांग्रेस का मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में बैठ के बात करता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान से बात करेंगे। कांग्रेस का मणिशंकर अय्यर गिलानी से मिलने जाता है जबकि वहां पर स्टोन बेल्टिंग चल रही है। अरे, किस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लोग और किस तरह के समाज पर? आज इंडिया अगर सेक्युलर है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है, डिवीजन के समय पर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना क्योंकि वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी। आज पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 24% से 2% पर आ गई है, बांग्लादेश में वही पॉपुलेशन 8% हो गई है। जहां जहां मुस्लिम का राइज हुआ है, जहां जहां पे मुस्लिम की मेजोरिटी बढ़ी है, वहां वहां पर राइज क्यों है? इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और ये मुस्लिम अपीजमेंट कब तक चलती रहेगी? हम भी नहीं कहते कि एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट, बट जो टेररिस्ट है उसे कैसे मना कर दे? बुरान मानी का धर्म है तो है, अफजल गुरु है, अब इन लोग को मैं कैसे मना कर दू? लोग, देशवासियों, जागो, दोस्तों जागो, देखो अपनी आंखों से देखो, इस मीडिया की बनाई हुई बातों में मत आओ। जब तक हम लोग अपनी आंखों से देखा हुआ विश्वास नहीं करेंगे, नहीं जागेंगे, ऐसे अमरनाथ यात्रा पर हमले, कभी हमारे मंदिरों पर हमले, कभी हमारी संस्कृति पर हमले होते रहेंगे, ये चलता रहेगा और सरकारें सिर्फ इसकी कड़ी निंदा करती हुई रह जाएंगी। बहुत जरूरी समय आ गया, आप जागिए, देखिए, समझिए और अपनी समझ को बढ़ाइए। जय हिंद दोस्तों।